संत पौलुस अपने पहले पत्र के चौथे अध्याय में फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 संत पौलुस हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें दूसरों की तरह शोक मनाते हुए नहीं रहना है। ऐसे लोग जो कि अंधकार में जीते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो शोक में जीते हैं, लेकिन हम हमारे प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने ये कहा था यूहन्ना के सुसमाचार 11वें अध्याय के 25वें वाक्य में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मुझ में विश्वास करने वाला हमेशा जीवित रहे। तो इसलिए हमारे प्रभु जिन्होंने मृत्यु पर अपनी विजय हासिल की है, ऐसे प्रभु पर हम विश्वास करते हैं। और यही प्रभु हमसे यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय के 19वें वाक्य में कहते हैं, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहो, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहो। और प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करने वाले और विश्वास के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने वाले हमारे प्रिय जेक मार बरनबास पिताश्री प्रभु के साथ, इस पर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं। और मैं एक शिष्य के नाते 1997 में जब मैं पूना में पेपर सिमदारी में पढ़ रहा था, तो वे मेरे अध्यापक थे, मैं उनके पहले विद्यार्थियों में से एक हूँ। और इसके अलावा जब मैं वहाँ पर थीसिस लिख रहा था अपने बैचलरेट ऑफ थियोलॉजी के लिए, तो मेरे गाइड, मेरे मॉडरेटर चाको एराथ फादर अर्थात जय कुमार बरनबास पिताश्री, तब वो पूना पेपर सेमिनारी के पास में ही बेथनी आश्रम है वहाँ पर रेक्टर थे, और मैं पेपर सेमिनारी में पढ़ता था तिरुवल्ला डायसिस के लिए, तो मैं हमेशा वहाँ पर जाता था बेथनी आश्रम। और वो हमेशा इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे, हमेशा अतिथियों को इतना स्वीकार करते थे, सबको खुले दिल से मिलते थे, और हम सबको ऐसा महसूस करने देते थे कि वो हमारा भी घर है। इसलिए वहाँ का बेथनी आश्रम मेरा भी घर था, मुझे वहाँ जब भी चाहूँ मुझे जाने की छूट थी। वो सिर्फ बरनबास पिताश्री के कारण था, क्योंकि इतने प्यारे इंसान को मैंने कभी नहीं देखा, इतने दयालु, इतने प्यार भरे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अतिथियों को उनका इतना सत्कार करते हैं। मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं बेथनी वाला नहीं हूँ, हमें कोई फ़र्क नहीं, वो मेरे लिए घर था, दूसरा घर था बेथनी आश्रम, परिवार था। और हमेशा वो तैयार थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे, एनकरेज करते थे, और मुझे उनके सदस्यों में से एक ही मानते थे, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब वे बिशप बनकर दिल्ली में आए, और दिल्ली का जो मैं पहले मिशनरी हुआ करता था, मैं हमेशा उनसे मिलता था, और मिशन में कभी भी किसी भी वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ऐसा मैंने उन्हें वचन दिया था, और हमेशा मैं उनके साथ होता था, और मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस अप्रैल में मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, वो ये था कि बथेरी में और पुत्तूर में जब गुड़गांव डायसिस के दो डीकन्स पुरोहित बन रहे थे, प्रीस्टली ऑर्डिनेशन था, वर्गीस कूटे रेड़ फादर और फादर एल्दो तुंडी, तो मैं बिशप के साथ उनकी ही कार में एक साथ मैंने यात्रा की अप्रैल के पहले हफ्ते में। बहुत यादगार दिन थे, छोटों के बीच में छोटा होना उन्हें आता था, बड़ों के साथ बड़ा बनना उन्हें आता था, हर तरीके के हर किस्म के व्यक्तियों से उनके ही हिसाब से मिलना उन्हें आता था। हम जहाँ कहीं भी गए, बच्चे आकर उनकी गोद में खेलते, इतनी छूट थी, इतनी आज़ादी थी। कोई भी चर्च के लोग क्यों ना हो, मैंने देखा ना केवल मलंगरा, सिरोमलाबार वाले थे, ऑर्थोडॉक्स वाले थे, जो भी हो, सब कोई इतना प्यार उनसे करते थे, इतना प्यार उनसे पाते थे, इतना सम्मान उनका करते थे। तो उनके साथ मुझे 2-3 दिन यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ रहने का मौका मिला, और उसके एक हफ्ते बाद वे कोविड की चपेट में आ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, हमेशा मेरे दिल में उम्मीद थी कि वे वापस आएंगे, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। और पिछले गुरुवार के दिन जब उनका निधन हुआ, तब दोपहर को 12 बजे मुझे दिल्ली से एक फ़ोन कॉल आया, और रेनी ने मुझसे ये कहा कि बिशप जी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, कुछ भी हो सकता है। इतने दिनों तक हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे, और आप लोग 100वें दिन आज प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी भी सराहना की जाए कम है। तो हम सब यही प्रार्थना करते रहे कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ करें, हम कभी भी उन्हें ईश्वर के हाथों में देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शायद ईश्वर उन्हें अपने पास ले जाना चाहते थे, स्वर्ग में उनके लिए जो स्थान उन्होंने तैयार किया है वो उन्हें देना चाहते थे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं ने 4 महीने उन्हें पकड़ के रखा।
जिस प्रकार याकूब ईश्वर के दूत के साथ युद्ध कर रहा था, उसी प्रकार हम भी ईश्वर के साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना प्यार उनसे करते हैं। और अंतिम में हमने ईश्वर की इच्छा को जाना, माना और अपने आप को क्या तो समझ। तो जब मुझे गुरुवार के दिन 12 बजे फ़ोन आया, मैं तुरंत यहाँ के चैपल में गया। मैंने एडोरेशन किया प्राइवेट अकेले, और उस समय मेरे मन में यही लग रहा था कि शायद ये उनके अंतिम क्षण है। तो मैंने एक दम तोड़ते हुए व्यक्ति के लिए एक प्रार्थनाएं की, उनके नाम से भी की, अपनी तरफ से भी की, कि प्रभु यदि ये आपकी इच्छा है तो हम उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें आप शोधन ग्रह से बचाना, उनकी हर पीड़ा कष्ट दुख जो उन्होंने सहा है उसे स्वीकार करते हुए उन्हें आप स्वर्ग में ले जाना। यदि ऐसी बात है तो हम आपकी इच्छा के अनुसार पूरे दिल से उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। 12:10 से लेकर 12:50 तक आराधना की, अडोरेशन किया। 12:50 को मैंने अंतिम आशीर्वाद दिया, मैं अकेला था चैपल में। 1:30 बजे मुझे ये खबर मिली कि 12:50 को ही उनका निधन हुआ है। तो ये विस्मयपूर्वक है कि प्रभु ने मुझे उस समय ये मौका दिया कि उनके अंतिम क्षणों में उनके लिए प्रार्थना कर पाऊँ, और बिल्कुल 12:50 को जिस समय अंतिम आशीर्वाद प्रभु के द्वारा दिया गया, बरनबास पिता श्री स्वर्ग सिद्धार्थ। तो ये दर्शाता है कि वो कितने संत व्यक्ति हैं, प्रभु उन्हें कितना चाहते हैं और प्रभु उन्हें स्वर्ग में सीधा ले गए हैं। तो इसलिए हमें हर दुख को त्यागना है, हर शोक को त्यागना है और प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया के लिए नहीं भेजा है, हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार की है प्रभु ने, हमें उनके लिए बनाया है। एफेसियों के नाम 4:4-5 वाक्य में भी हम यही पढ़ते हैं कि हम निष्कलंक बनकर जिए, प्रेम में बढ़ें, ताकि हम ईसा मसीह की तरह प्रभु की संतान बन सकें। तो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम कितने दिन यहां पर जीते हैं वो महत्व नहीं रखते, लेकिन कैसे जीते हैं, क्या हम प्रभु की तरह जीते हैं वो महत्व रखता है। और ऐसा ही मार बरनबास ने किया। उन्होंने इस 60 साल में ऐसा कुछ किया जो कि लोग 200 साल में नहीं कर पाते। बिशप के रूप में 14 साल में उन्होंने जो किया है वो लोग 40-50 साल में नहीं कर पाते। इतना सब कुछ ईश्वर ने उनके द्वारा इस पूरे भारतवर्ष में किया। जहां जहां गए उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ। एक बार यदि किसी ने उनसे मुलाकात की है तो वो उनके दिल में समा गए। मार्थोमा वाले, ऑर्थोडॉक्स वाले, जेकोबाइट वाले, हिंदू, मुस्लिम, झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले, गरीब लोग, अमीर लोग, विदेशी लोग, परदेशी लोग, सब, लैटिन वाले लोग, सिरोमराबार वाले लोग, सब लोग उनको चाहते थे। इतना प्यार किसे मिला है, इतनी प्रार्थनाएं किसे मिली है। तो इसलिए ये एक धन्य जीवन है जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। तो मैं यहाँ 3-4 बातें बताना चाहता हूँ ईश्वर के वचन के आधार। पहले शोक गीत 4:20 वाक्य में, Lamentations 4:20, वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु का अभिषिक्त पुरोहित उनकी जनता की प्राण वायु है, लाइफ ब्रेथ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। कौन? अ प्रीस्ट। ईश्वर के द्वारा चुने गए वो गुड़गांव धर्म प्रांत के सभी व्यक्तियों की प्राण वायु बनकर थे, और उन्होंने एक पुरोहित के रूप में, एक बिशप के रूप में, जैसे होना चाहिए वैसा जीवन उन्हें बिताकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह के हृदय के अनुसार अपने जीवन को बिताया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद। दूसरी बात, वो दूसरों के सामने करुणा का अवतार बने, दया का अवतार बने, प्रतिरूप बने। उनके दिल में इतना प्यार था, इतनी करुणा थी कि ईसा मसीह की तरह बन गए। जिसको भी प्यार करते तो उसे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते, और सबका अनुभव यही रहता है, इतना प्यार, इतनी दया, इतनी करुणा उन्होंने दिखाई। मैथ्यू के सुसमाचार 25:35-40 तक हम ये पढ़ते हैं
मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। ये सब कुछ बरनबास पिता श्री ने किया, भूखों को खिलाया, नंगों को पहनाया और पीड़ितों को उन्हें चंगा किया, जो कुछ उनके हाथ से बनता था सब कुछ। और कोविड से डर कर कमरे के अंदर नहीं बैठे रहे, कमरे के अंदर सिर्फ प्रार्थना करते नहीं बैठे रहे, बाहर निकले और दूसरों को उनकी तकलीफों से मुक्त करने के लिए जो कुछ उनके हाथ से बन सकता है वो सब कुछ उन्होंने करने के लिए करुणा और दया के अवतार बनकर प्रतिरूप बनकर उसे आए। और इसके द्वारा वो क्या बने? गलातियों के नाम दूसरे अध्याय के 20वें वाक्य में संत पौलुस कहते हैं, गलेशियंस 2:20, अब मैं यीशु मसीह के लिए मृत हो चुका हूं, अब मुझ में मैं नहीं यीशु मसीह बसते, मुझ में मैं नहीं यीशु मसीह खुद बसता है। तो जब हम करुणा और दया दिखाते तो हम क्या बन जाते हैं? हम खुद ईसा मसीह बन जाते हैं। तो उन्होंने दूसरों के गरीबों की कराह में, भूखों में, नंगों में ईसा मसीह को देखा और ना केवल ईसा मसीह को देखा दूसरों में, दूसरों के लिए ईसा मसीह बने। जिन्होंने मार बरनबास को दिखा उन्होंने उनके द्वारा ईसा मसीह को ही देखा, ईसा मसीह की दया देखा, प्रेम देखा, करुणा देखी। तो ये था उनका महत्व। और ईसाया ग्रंथ के 53वें अध्याय के 3 से लेकर 7 तक के ईश वचन पर हम पढ़ते हैं, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। ईसाया 53:3-7। तो वो इस तरह पीड़ित बने, उनका मुंह किस प्रकार हो गया था, पूरी तरह से वह इतने छोटे बन गए, अपने आप को उन्होंने, अपने जीवन को, अपने सुंदर शरीर तक को उन्होंने जीवन में त्याग दिया दूसरों के लिए, क्योंकि उनका मुंह किसके जैसे बन गया? हर एक गरीब के जैसे बन गया, हर एक पीड़ित की तरह बन गया, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया उनकी तरह वो बन गए। दूसरों के दर्द को उन्होंने अपने सिर पर लिया, दूसरों के लिए तकलीफ सही, दूसरों का कष्ट उन्होंने अपने सिर पर उठाया। ईसा मसीह की तरह दूसरों का भार उन्होंने उठाया, इसलिए ईश्वर उन्हें जरूर उठाएंगे, उनका आदर जरूर करेंगे। जो भी ईसा मसीह के नाम का आदर करता है उनका आदर ईसा मसीह पिता ईश्वर के सामने और सारी दुनिया के सामने करेंगे। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए। और कोलोसियों के नाम 1:24, Colossians 1:24, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ, मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख होगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। उन्होंने अपने कष्ट से, अपनी तकलीफ से प्रभु की पीड़ा में और कष्ट में भाग लिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और तीसरी बात, वचनस्य साक्षी भवः, ये था उनका मोटो, आदर्श वाक्य, और यही उन्होंने अपने जीवन में जीने की कोशिश की। ईश्वर के वचन, ईश्वर का शब्द जो देह बना ईसा मसीह के साक्षी बनने का उन्होंने प्रण लिया, और ना केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने जीवन से ईसा मसीह के वे साक्षी बने, वचन प्रभु के साक्षी बने। तो सुसमाचार का प्रचार ना केवल भाषण के द्वारा दिया जाता है बल्कि उससे भी अधिक अपने जीवन के द्वारा। अपने जीवन में यदि हम ईसा मसीह की तरह जिए, ईसा मसीह की तरह देखें, ईसा मसीह की तरह सुने, ईसा मसीह की तरह ऐसे लोगों के जीवन में जाएं जिन्हें प्रभु के प्रेम की ज़रूरत है, जिन्हें करुणा की ज़रूरत है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनके जीवन में यदि हम यीशु मसीह बनकर जाएं, तो वही सुसमाचार का प्रचार है। पूरे भारतवर्ष में मार बरनबास ना केवल बाइबिल लेकर आगे गए लेकिन उनका जीवन ही खुद एक बाइबिल बन गया। उनके प्यार को देखकर, उनकी दया को देखकर लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को जाना, पहचाना और ईश्वर को महिमा प्रदान की। मैथ्यू के सुसमाचार 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था अपने शिष्यों से कि
तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। बरनबास पिता श्री के भले कार्यों को देखकर अन्य धर्म के व्यक्ति, राजनेता भी और सब व्यक्ति स्वर्गीय पिता को, यीशु मसीह को जानने लगे उनके कार्यों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा। यही है वचन का साक्षी पत्र। और चौथी बात, पिछले 4 महीने तक उन्होंने बहुत पीड़ा सही, दर्द उठाया, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, ये सब उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अंतिम सांस तक नहीं टूटे, क्योंकि उनका विश्वास अडग था और उनकी आशा प्रबल थी। वो 4 महीने तक कुर्बाना का अर्पण नहीं कर पाए, लेकिन इन 4 महीने में वे स्वयं कुर्बाना बन गए। उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका दिल, उनका जीवन उन्होंने तोड़कर दूसरों को दिया और प्रभु के हाथों में भी दिया। COVID-19 के डर से 4 दीवारी में वो कैद नहीं हुए, लेकिन बाहर निकलकर सावधानी बरतते हुए ही जरूरतमंदों के लिए वे आगे आए, दूसरों को हिम्मत दी। हमें सब ये देखकर बहुत दुख हो रहा था कि वो कितनी कठिनाई से गुजर रहे हैं, कितना दर्द सह रहे हैं, ऐसा क्यों, बहुत से सवाल हमारे जहन में आ रहे थे। लेकिन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 8वें अध्याय के 18वें वाक्य में वे हमसे ये कहते हैं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। चाहे हमारे जीवन में हमें कितनी ही पीड़ा क्यों सहनी पड़े, कितना ही दर्द और दुख उठाना पड़े, लेकिन स्वर्ग में प्रभु हमें जो महिमा प्रदान करेंगे, जो आनंद प्रदान करेंगे, हम प्रभु के मुख का दर्शन करेंगे, प्रभु से एक हो जाएंगे, प्रभु में आनंद मनाएंगे, प्रभु के दिल के करीब रहेंगे, उनके सीने से लग जाएंगे और अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। उस महिमा की तुलना में हमारे जीवन के कष्ट, दुख, दर्द, ये सब कुछ नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। और स्वर्ग में पहुंचकर मार बरनबास पिताश्री को भी यही एहसास होगा, हे प्रभु, इतना बड़ा स्वर्गीय सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया है, इसकी तुलना में मेरी पीड़ा, मेरा कष्ट, मेरा दर्द वो बिल्कुल ही कम था, मैं और सहने को तैयार। क्या उनका दर्द, उनका दुख, उनकी बीमारी, क्या वो निरर्थक थी? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु उन्हें स्वर्ग की महिमा तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा गुड़गांव धर्म प्रांत के अनेक लोगों को और भारतवर्ष के अनेक लोगों को उनके सहन से अनुग्रह प्राप्त, प्रभु के प्रेम को जानना, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ना, दुष्टता के और पापों के मार्ग को छोड़ते हुए पश्चाताप करके ईश्वर के पुत्र की तरह जीने में मार बरनबास पिता श्री के सहन से हमें अनुग्रह प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। इसलिए हम इस महान जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के नाम की महिमा गाएं।